नमस्कार दोस्तों, इच्छा फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो ये जो वीडियो है, एक ऐसे विषय पे हमने बनाया है जो विषय काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नशे के बारे में। नशा काफ़ी गंभीर विषय बन चुका है हमारी जिंदगी का। गंभीर इसलिए क्योंकि नशे ने अपने पैर चारों तरफ फैला दिए हैं। घर परिवार सबको बिखेर कर रख दिया है, सबको तबाह करके रख दिया है। इच्छा फाउंडेशन के माध्यम से हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि किस तरह से नशे में लोग फंस चुके हैं और नशे से दूर कैसे रहा जाए। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में आपने कई प्रकार की ऐसी बातें सुनी होगी कि ये दवाई खिला दो, या इस तरह की कोई पूजा पाठ कर लो, या इस तरह का कोई ऐसा मतलब टोना टोटका या कई तरह की ऐसी आपको मेडिसिन बताई जाएगी कि आप ये दे दो तो आपका परिवार का सदस्य नशे से दूर हो जाएगा। लेकिन ये सब एक मिथ है, एक भ्रम है, क्योंकि नशा दिमाग में होता है। जी हाँ दोस्तों, नशा दिमाग में होता है। जब तक हम दिमाग से उस नशे को नहीं निकालते हैं, तब तक हम नशे से कभी निजात नहीं पा सकते। जी हाँ, इच्छा फाउंडेशन में इसी बात के ऊपर काम किया जाता है। इच्छा फाउंडेशन सदैव इस बात पे काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। जी हाँ, इच्छा फाउंडेशन आप लोगों को एक सही राह दिखाती है, एक सही सपोर्ट देती है नशे से दूर होने में। हम चाहते हैं कि आप ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयों से बचें जो आपके सदस्य के लिए काफ़ी घातक हो सकती है आगे जाकर। हम उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल, जिसे हम आध्यात्मिक ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। आध्यात्मिक ट्रीटमेंट, जी हाँ दोस्तों, मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिकता से कैसे नशे से निजात पाया जा सकता है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको ये चीज़ बताई कि नशा हमारे दिमाग में होता है। तो दिमाग में होने की वजह से ये ज़रूरी होता है कि हम किस तरह से अपने दिमाग को संतुलित बनाए रखें। संतुलित बनाने का एक खास मतलब जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब तक हम किसी चीज़ के लिए इच्छा जागृत नहीं करते हैं, जब तक हम किसी चीज़ के लिए इच्छा जागृत नहीं करते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज़ को नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुँचा रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे हमेशा तबाह ही कर रही है। जी हाँ, ये जब तक एहसास नहीं होता है, तब तक दोस्तों इंसान कभी सुधर नहीं पाता है। तो हमारे इच्छा फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों को इसी तरह की ट्रीटमेंट देके, मतलब उनको मानसिकता की ट्रीटमेंट देके, मानसिक उपचार देके, कई तरह से हम उनको नशे से दूर करते हैं। कई परिवारों को इच्छा फाउंडेशन की मदद से इस बात पे सफलता मिली है। कई परिवारों को इच्छा फाउंडेशन की मदद से, इच्छा फाउंडेशन के सहयोग से, इच्छा फाउंडेशन के सपोर्ट से कई सारी नई जिंदगियां मिली है। कई सारे लोगों ने उम्मीद खो दी थी, कई सारे लोगों ने ये सोच लिया था कि कभी पॉसिबल नहीं होगा, कई सारे लोगों ने ये सोच लिया था कभी ये संभव नहीं हो पाएगा कि हमारा परिवार का सदस्य नशे से दूर हो पाएगा। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि नशे के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। जी हाँ दोस्तों, नशे के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। नशे के लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन है, वो है मानसिक परिवर्तन। जी हाँ, हमारे इच्छा फाउंडेशन में मानसिक परिवर्तन के ऊपर ट्रीटमेंट दी जाती है, प्रोग्राम दिया जाता है, बाकायदा उनको ये सब सिखाया जाता है, ये सब बातें बताई जाती है, रियलाइज़ करवाया जाता है कि किस तरह से नशे की ही वजह से उनके जीवन में बर्बादियां हो रही है। हम हमेशा इस भूल में रह जाते हैं कि कोशिश नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। यह आपने भी सुना है, कोशिश करते रहना चाहिए। आपने भी उस तरह से कोशिश की है। इच्छा फाउंडेशन की मदद से हम भी यही कोशिश जारी रखते हैं और हमेशा जारी रखेंगे। आप लोगों तक इस बात की जानकारी देते रहेंगे। हम भी चाहते हैं, इच्छा फाउंडेशन सदैव ये चाहता है कि हमारा भारत नशा मुक्त भारत कहलाए। सभी के घर में खुशियाँ हो, सभी के घर में एक ऐसी उमंग रहे कि कभी किसी को, आसपास के लोगों को नशे की वजह से बर्बादी का मुंह ना देखना पड़े, लोग नशे की वजह से बर्बाद ना हो। इच्छा फाउंडेशन के माननीय संचालक श्री कैलाश बाविस्कर सर, श्री राकेश जाधव सर और श्री नीलेश गोडसे सर के माध्यम मार्गदर्शन से सदैव लोगों को एक नई जिंदगी मिली है। सदैव हमारे संचालकों द्वारा ऐसा एक मार्गदर्शन मिला है जिन्होंने सभी को प्रेरित किया एक नया जीवन जीने के लिए।
अच्छी तरह से रहने के लिए, समाज में एक इज्जत भरा नाम करने के लिए। हमारे संचालकों द्वारा हमेशा हमको यही सिखाया गया है कि किस तरह से नशे से दूर रहा जाए, एक नई जिंदगी की शुरुआत कैसे की जाए। हमारे माननीय श्री कैलाश बाविस्कर 18 वर्षों से इस कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं। हमारे श्री राकेश जाधव सर कई सालों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हमारे नीलेश गोडसे सर कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के द्वारा कई परिवारों में आज खुशियां हैं और मैं यही चाहता हूं कि आगे भी ये खुशियां बरकरार रहे। मैं अपने तीनों संचालकों, तीनों मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोगों को एक नई राह दिखाई, एक अच्छी राह दिखाई, जीने की एक उम्मीद जगाई। मैं हमेशा सदैव हमारे तीनों संचालकों का आभार व्यक्त करता रहूँगा, उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पे चलता रहता हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज का वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली हो। इच्छा फाउंडेशन से जुड़े रहिए, इच्छा फाउंडेशन सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। नमस्कार।